जीजीआईसी महाराजगंज में परीक्षा दे रही विवाहिता हुई बेहोश। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, मिन्नतें करने के बाद भी प्रधानाध्यापक ने ना ही छोड़ा और ना ही उपलब्ध कराई मेडिकल सुविधा। महाराजगंज रायबरेली यूपी बोर्ड परीक्षा के पहले ही दिन महाराजगंज के बछरावा मार्ग स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में विद्यालय के प्रधानाचार्य ने मानवता को उस वक्त तार तार कर दिया जब इंटर की परीक्षा देने आई एक विवाहिता बाथरूम जाते वक्त बेहोश होकर गिर पड़ी। वहीं सीसीटीवी संचालक द्वारा सूचना देने पर उसे उठाकर परीक्षा कक्ष में ला कर लिटा दिया गया और उसके परिजनों को सूचना दे दी गई। हद तो तब हो गई जब बार बार विवाहिता व विवाहिता के पति द्वारा उसे छोड़ देने के लिए लाख मिन्नत के बाद भी प्रधानाचार्य द्वारा परीक्षा के नियमों की लगातार घुट्टी पिलाई जा रही थी। आपको बता दें कि हैदरगढ़ में ब्याही ओथी निवासी बीनू प्रजापति द्वितीय पाली में इंटर की हिंदी की परीक्षा देने आई थी। परीक्षा शुरू होने के एक घंटे बाद ही वह बाथरूम जा रही थी, वहां पर उसे चक्कर आया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। काफ़ी देर तक अचेत पड़ी रहने के बाद जब सीसीटीवी कैमरे का संचालन कर रहे कर्मचारी की नज़र उस पर पड़ी तो उसे प्रधानाचार्य अमिता यादव को सूचना दी। सूचना पर अमिता यादव ने चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मचारी के सहारे उसे कमरे के एक बेंच पर लिटा दिया। इसके बाद होश में आई और महिला ने मोबाइल मांगकर अपने पति रामनारायण को सूचना दी। आनंद फनर विद्यालय पहुंचे पति को ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने अंदर नहीं जाने दिया। वही महिला बार बार प्रधानाचार्य को उसके गर्भवती होने की बात बताई जाने की वह पति से मिलने और परीक्षा से छुट्टी देने की मांग की जाती रही, परंतु संवेदनहीन प्रधानाचार्य ना ही उसका मेडिकल कराया ना ही उसे परीक्षा समाप्त होने के पहले छोड़ा। इसी बीच उसकी हालत काफ़ी खराब हो गई। महिला के पति द्वारा उपजिलाधिकारी सहित DIOS से मोबाइल फोन के जरिए मामले की शिकायत की गई। मामले में प्रधानाचार्य अमिता यादव ने कहा कि पीड़िता को पानी पिलाया गया और उसे बेंच पर लिटा दिया गया। उसके पति को सूचना दे दी गई, इससे अधिक मैं कुछ भी और नहीं कर सकती।